वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट मसाला किचन। आज हम तड़का दाल बनाएंगे। दाल तो आप सब घर में बनाते हैं, लेकिन आज एक डिफरेंट स्टाइल से मैं दाल बनाऊंगी। मैंने ली एक कटोरी चना दाल, 1/4 कटोरी मूंगदली दाल। इसे अच्छे से धो के हम इसे आधे घंटे के लिए रखेंगे। अच्छे से धो लिया, अब आधे घंटे के लिए रखेंगे। और अब इसे आधा घंटा हो गया, कुकर में मैंने दाल डाली और एक हरी डंडी वाली हरी मिर्च डाली और मोटी इलायची का मसाला डाला और स्वादानुसार मैंने इसके अंदर नमक डाला, जो आपका टेस्ट हो। और थोड़ा सा मैंने हल्दी डाली और इसे 4 सीटी तक मैंने इसे बॉईल करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि ये दाल भिगो के रखी है। प्याज, टमाटर, 2 हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, सूखा धनिया, जीरा और हींग। अब हम एक पैन लेंगे। इस पैन के अंदर मैंने ये जीरा डाला, हींग डाली और हरी मिर्च डाली। अब हम इसके अंदर, ये ब्राउन हो गया है थोड़ा जीरा और हींग, अब हम प्याज डालेंगे। अब प्याज को अच्छे से सोते करेंगे। प्याज थोड़े जब ब्राउन होने तक इसे थोड़ा भूने। देखिए प्याज भुन रहे हैं और ये ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर कटे हुए 2 जो मीडियम साइज टमाटर लिए हैं वो डालेंगे। टमाटर को अच्छे से गलाएंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसके अंदर हमने ज़्यादा मसाले नहीं डालने, सिर्फ ये सिंपल मसाले से ही। इसमें मैंने लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा सूखा धनिया डाला। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखते हैं, दाल हमारी रेडी है। दाल रेडी हो चुकी है और मसाला भी रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे, इस मसाले में से आधा मसाला निकाल के साइड पे रखते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों निकाला है, ये एक सीक्रेट रेसिपी है। इसमें आधा मसाला हम ऊपर से डालेंगे। ये मैंने निकाल के रख दिया है। और जो ये मसाला है इसके अंदर हम मसाले में दाल डालेंगे। दाल अगर आपको गाढ़ी पसंद है गाढ़ी खाइए, अगर आप पतली दाल खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। ये देखिए दाल की, मुझे तो, हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं। अगर आपको गाढ़ी लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हो आप इसके अंदर और अच्छे से मिक्स करें। अब मैं एक पैन लूँगी, जो तड़का पैन होता है उसके अंदर मैं 1 चम्मच देसी घी डालूँगी। अब आप कहेंगे पैन क्यों लिया, इसके ऊपर हम ऊपर से तड़का लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंट स्टाइल में दाल तड़का बनाऊंगी। अब मैंने इसके अंदर हींग डाला और 2 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च डालूंगी मैं। और कलर के लिए देगी मिर्च, हमने उसके अंदर लाल मिर्च डाली थी, अब देगी मिर्च डाली। अब ये तड़का जो बन गया है इसके ऊपर ऊपर से डालेंगे। देखिए, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, आपको याद है मैंने आधा तड़का निकाला था, तो चलिए वो आधा तड़का भी इसके अंदर मिक्स करते हैं। ये हमने आधा तड़का इसके अंदर मिक्स कर लिया। ये मिक्स हो गया और दाल रेडी है। आप इसे परांठे के साथ, फुलके के साथ, जिसमें आपको अच्छी लगे खाइए। चलिए अब इसका हम एक बाउल में डालते हैं। जो दाल नहीं भी खाते होंगे, ऐसी दाल आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी दाल अगर आपके घर में किस किस ने खाई, अगर जब आपने बनाई। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऑनेस्ट मसाला किचन, मैं रेखा शर्मा, थैंक यू वेरी मच। और ये दाल रेडी है।